भाइयों, आज मेरा नाम है राजेंद्र यादव है, मैं एडवोकेट हूँ और एक नगर सेवक भी हूँ। हैदराबाद का कारवान हल्के का कारवान क्षेत्र का नगर सेवक भी हूँ। तो आज मुझे हमारे अर्जुल अजीज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हिदायत पर और हमारे अर्जुल अजीज जनाब कौसर मोहिद्दीन साहब एमएलए साहब के हिदायत पर निगरानी में मैं यहाँ पर आपके सामने समक्ष में आया हूँ। तो आज मैं आपके सामने सभी को सलाम वालेकुम और नमस्कार करता हूँ। तो भाइयों देखिए, आज हालात को अब तो मालूम है, इंतखाबी जलसा है। आज महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, 21 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है, आप सभी को मालूम है। मगर चुनाव के पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कैसे हालात है, क्या क्या लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है और खास कर से मेरे प्यारे मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े वर्गों को और जो सेक्युलरिज्म को अपनाने के लिए, सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए आज हमारे अर्जुल अजीज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सारे हिंदुस्तान के अंदर एकजुट करने के लिए, एक मंच पर लाने के लिए पूरा कोशिश हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, आज देश बहुत खतरे में है। आज देश की अखंडता और एकता के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा है। आज देखिए, 6 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में आकर, आज कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं, क्या क्या नतीजे आ रहे हैं, आज उनका ख्याल और मंसूबा किस तरफ ले जा रहा है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आप एक बार सोचिए, आज भारतीय जनता पार्टी हो, जो उनके जो तंजीमें हैं, जैसे आरएसएस पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये जितने भी तंजीमें बीजेपी के हैं, वो लोगों का एक ही मंसूबा और एक ही मकसद है। वो लोग सारे हिंदुस्तान के अंदर एक ही चाह रहे हैं कि हिंदुत्व को, भावना को अपना कर हिंदुइज्म को आगे लेना के ले जाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए मैं खासकर मैसेज देने आया हूँ एमआईएम पार्टी की ओर से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, संविधान में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों, संविधान एक बार पढ़ के देखिए आप लोग। संविधान जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने रचाया था, उस संविधान को आज जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उस संविधान को बनने को पालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये हरगिज नहीं हो सकता। तब तक एमआईएम पार्टी नकीबे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके साथ रहेंगे, कोई मैकालाल संविधान को नहीं छोड़ सकते हैं, संविधान को बरकरार रखेंगे, संविधान के हिसाब से हम सब चलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, संविधान का अगर पहला पन्ना अगर पढ़ेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, अंग्रेजी में मैं बताता हूँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू ए सॉवरेन सोशलिस्टिक सेक्युरिस्टिक टाइप ऑफ सोसाइटी, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फ्रेटर्निटी इक्वालिटी लिबर्टी सोशल जस्टिस के लिए सारे हिंदुस्तान के अंदर सभी को एक साथ जीने का हक दिया गया है। तो यही है, जितना हिंदुओं को इस देश में जीने का हक है, उतना है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों को भी जीने का उतना ही हक है भाई। कोई मलका लाल मुसलमानों को हिंदुस्तान से अलग नहीं करा जाता है, नहीं कर सकते जब तक संविधान आपके साथ है, संविधान के रक्षक हमारे बैरिस्टर साहब लगे रहेंगे, तब तक कोई मैकला लटा नहीं सकते। तो इसलिए माइयों और बहनों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आज देखिए हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है,
दलितों पर क्या जुल्म हो रहा है आप सबको मालूम है। आज देखिए आज अखलाक को कैसा मारा गया है, आज तबरेज अंसारी को कैसा मारा गया है। आज झारखंड में देखिए तबरेज अंसारी नौजवान लड़का बेचारा एक गाड़ी का चोरी के इंजाम में उन्होंने कुछ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बजरंग दल के निकम्मा लोग बनकर जार को खंबे को बनकर कैसा मारा गया आप लोग वीडियो में पेपरों में टीवी में देख चुके भाइयों। कैसा राम का नाम बोल बोल कर उन्होंने कैसा मारा कैसा कत्ल किया है आपको मालूम होना चाहिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी आज सारे हिंदुस्तान के अंदर मॉब लिंचिंग के नाम पे पूरा फैला रहा है मेरे प्यारे भाइयों। आपको डरना और घबराने की बात नहीं, जब तक एमआईएम पार्टी आपका साथ रहेगा कोई भी मैकाल आपको हटा नहीं सकता। हमारे बैरिस्टर साहब आपके साथ है, दलितों के साथ है, पूरा भरोसा करिए। आप इत्मीनान से रहिए, आप हमारे फिरोज लाला नौजवान है और हमारे मराठवाड़े के सदर है, आप उनको जानते हैं। उन्होंने पिछले कई सालों से सोशल वर्क करते आ रहे हैं, आज सारे नांदेड़ उत्तर के अंदर उनके कारनामे सही है, बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए। तो मेरे प्यारे भाइयों आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना हो ये एक सिक्के के दो रुख है। जैसा आपको मालूम है आज भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में है, आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। आज आपको मालूम होना चाहिए एक महिला शिशु संक्षेम शाखा मंत्री महोदय जो पंकजा मुंडा, जो आपको मालूम है पंकजा मुंडा ने क्या किया है, 206 करोड़ का चिक्की बाबू, चिक्की मालूम है आपको, चिक्की खाने का बालवाड़ी और आंगनवाड़ी में बांटने के लिए गरीबों को देने के लिए वो चिक्की का कितना बड़ा स्कैम हुआ सारे हिंदुस्तान में जानते हैं लोग। आज ये कहूँ ये भारतीय जनता पार्टी और आपको बताना चाहता हूँ गरीबों को चिक्की बांटने के लिए चिक्की का खिलाने के लिए आज पंकजा मुंडा 206 करोड़ रुपए सिर्फ एक ही दिन में बिना टेंडर के पैसे उन्होंने एक एनजीओ को, वो एनजीओ भी कांग्रेस का निकम्मा लीडर थी, उसको 144 करोड़ रुपए का मुनाफा देकर उस केस को बराबरी कर कांग्रेस और बीजेपी ये दो हमारे आपको बताना चाहता हूँ ये एक सिक्के के दो रुख है। दोनों भी आप पूरे करप्शन में पूरा निमग्न है, करप्शन चार्जेस दोनों पे भरा हुआ है। आपके यहाँ के नांदेड़ के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के बारे में जानते हैं, आज 31 मंजिल भवन बनाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर करोड़ों रुपए का घपला किया है। और आपको मालूम होना चाहिए आज एनसीपी के जो हमारे सदर है एनसीपी के शरद पवार, आज ये कोऑपरेटिव बैंकों में करोड़ों रुपए का गरीबों का घपला किया गया। भाइयों इतने करप्शन चार्जेस रहकर आप क्यों सोचते हैं उस पार्टी निकम्मा पार्टियों को आप अपने दहलीज तक भी आने नहीं देना उस कमीनियों को। आपको मैं जता रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज एमआईएम पार्टी के ऊपर भरोसा करिए। आज एमआईएम पार्टी देखिए अभी हमारे मोइन साहब बता रहे थे कि हैदराबाद के अंदर एमआईएम पार्टी में कैसा इतिहाद है, कैसा यूनिटी है, कैसा मुसलमान भाई एकजुट होकर कैसा वोट डालते। मगर मेरे प्यारे भाइयों हैदराबाद के अंदर खाली मुसलमानों का नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ एससी एसटी बीसी का भी एमआईएम पार्टी के साथ है। एक एक उदाहरण है, मैं एक बीसी लीडर आपके सामने खड़ा हूँ। आज हमारे मेरे हल्के से 80% मुसलमान लोग रहते हैं, अगर मुसलमान भाई को घर बैठे टिकट दिया तो मुसलमान भाई आसान से जीत सकता है। मगर वहाँ पर एक सेक्युलरिज्म को बरकरार रखने के लिए मेरे और आपके अधीन अजीज आपके मुजाहिद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक हिंदू को, एक मेरे जैसा पढ़ा लिखा नौजवान को, एक एडवोकेट को टिकट देकर उन्होंने जिताया गया है। मेरे प्यारे भाइयों यही सेक्युलरिज्म है, यही आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे पता चला वंचित अगाना का नेता भी यहाँ पर उम्मीदवार के जैसे खड़ा है। मैं ये नहीं समझता हूँ क्यों हुआ ये पूरा, क्या हमारे प्रकाश अम्बेडकर को, हमारे बैरिस्टर साहब को बगल में भी उठा लिया गया है, क्यों हमारे रोगाड़ी वंचित साहब प्रकाश अम्बेडकर साहब हमसे उठ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दलित भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप एक बार भरोसा करिए
क्योंकि वंचित अगारा जो हमारे प्रकेश अंबेडकर साहब हैं, एक मैच फिक्सिंग हुआ है, मैच फिक्सिंग के जरिए आज उम्मीदवार को खड़ा किया गया है। मगर आपको बताना चाहता हूँ, दलित भाई भरोसा करिए, आप एमआईएम का साथ दीजिए, हमारे प्रेरक लाला को जिताइए। आज यहाँ पर जो इस बस्ती से, इस इलाके से जितने भी लोग मेरे प्यारे मुसलमान भाई यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज सारे महाराष्ट्र के अंदर, मैं 6 साल के अंदर पिछले असेंबली इलेक्शन में भी बांद्रा ईस्ट में 1 महीना काम किया, उसके बाद गोवंडी में भी काम किया, वहाँ पर मेरे प्यारे मुसलमानों से बहुत नजदीक से मेरे को रिश्ता हुआ, वहाँ पर देखा पिछले 5 साल के नीचे, मगर ऐसा माहौल नहीं था। जब मैं आज देख रहा हूँ, मैं वहाँ पर जो हमारे नांदेड़ का साउथ कॉन्फ्रेंस में भी जा चुका हूँ, वहाँ पे भी बड़े तादाद में लोग थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों उम्मीदवार आज एमआईएम पार्टी के हिस्से से बड़े अच्छे रक्से जिताने वाले हैं। आप लोग आप दोनों की दुआ से एमआईएम पार्टी दोनों सीट भी जीत के आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप बोलना नहीं, 21 तारीख के दिन हमारे चुनाव होने जा रहे हैं। 21 तारीख के दिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 21 तारीख के दिन आप पतंग के निशान पर वोट डालकर, पतंग के निशान को मजबूत कर और हमारे अजीन अजीत भाई सरस्वती जी रोहित साहब और हमारे फिरोज दादा साहब के हाथ मजबूत कर बड़े से बड़े अच्छे अच्छे कम से कम 1 लाख वोट से हमारे फिरोज दादा साहब को आपको जिताना चाहिए। ये हमारा आपका चैलेंज है, क्योंकि यहाँ का जो कांग्रेस का उम्मीदवार है वो निकम्मा है, पिछले बार भी यहाँ का मिनिस्ट्री कर चुका है, 2.5 साल मिनिस्ट्री कर चुका है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप बताइए क्या डेवलपमेंट किया है, क्या आपके अंदर एक कॉलेज आया, क्या आपके अंदर एक हॉस्पिटल बनाया, क्या आपके अंदर एक स्टेडियम बनाया गया क्या? इतना बड़ा नांदेड़ में मैं देख रहा हूँ, पूरे ऑटो भाइयों से भी मैं पूछताछ किया, एक ऑटो भाई मुझे अभी रेलवे स्टेशन से उतर कर मुझे लाया है, तो मैं पूछा, अरे क्या भाई आपका ख्याल क्या है, क्या हो रहा है नांदेड़ में, कैसा क्या इलेक्शन का माहौल, किस तरीके से? वो बेचारा बोलने के लिए डर रहा था, वो ऑटो वाला, ये बड़ा साहब, हम ऑटो वाले हैं, गरीब लोग हैं, हमको कोई मकसद नक्सद नहीं है साहब, हम रोटी रोटी और रोटी खाने वाले कमाने वाले साहब। मगर एक बात बोलो भाई, मैं भी ऐसी मामूली आदमी हूँ, मैं ऐसे आया यहाँ पे पूछ रहा था, मगर वो अब्दुल अजीज हमारे ऑटो साहब ने वही बताया, नहीं साहब कुछ भी बोलो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, इस बार दोनों जगह से एमआईएम जीतने वाला है, बुझे कर रहा है, ये अल्लाह का देन है, ये अल्लाह का दुआ है, ये आप लोगों का दुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं यही चाहता हूँ, समय का तगादा है, क्योंकि चिट्ठी ऑलरेडी आ चुका है, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे जो मौका दिया गया, अगले और 10 दिन मैं यहाँ रहूंगा, जहाँ पर भी मौका मिला और बड़े अच्छे से बात करूंगा और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, इतना मौका दिया गया। मेरे प्यारे फिरोज दादा को मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपको भी मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, रुखसत लेता हूँ, जय हिंद। एमआईएम जोर से हमारे बारिशों से कहीं भी राम घुसरे आना, एमआईएम और जोर से एमआईएम। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या, टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।